Yes, good afternoon all of you. So in last lecture we have covered some important topic related to the environmental pollutant, and now it's our second lecture related to the environment pollutant. Okay, so देखते हैं लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट और क्लासिफिकेशन कवर किया था, जिसमें हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस एग्जैक्टली वो कवर किया था. देन उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स हमने देखे थे. ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ओके, जो कि 2.5 माइक्रॉन से भी अगर लेस हो गए सो दैट आर वेरी हजार्डस टू द ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कुछ कवर किया था. एंड उसके बाद लेड एक पार्ट हमने कवर किया था, लेड रिलेटेड जो पोल्यूटेंट्स है. ठीक है, तो वो हमने कवर किए थे एंड उसके सोर्सेस क्या क्या है. देन उसके बाद एग्जैक्टली 2000 में हमने इसको बैन कर दिया था, तो वो भी हमने कवर किया था. देन मेटालिक ऑक्साइड्स, फ्लाई ऐश, जो कि इस बार भी यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो वो भी हमने कवर किया था. उसके सोर्सेस हमने देखे थे एंड कौन से कंपोजिशंस हो गए, दैट इज सिलिका, एल्यूमिना, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, टॉक्सिक हैवी मेटल्स, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, मर्क्यूरी एंड कॉपर. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 19 का ही कुछ क्वेश्चन था, वो भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, तो ये भी हमने देखा था. एंड उसके सोर्सेज क्या क्या है एंड उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, तो ये आपको मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो ये भी हमने कवर किया था. एंड सेकेंड है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नैनो पार्टिकल्स क्या होता है, दैट इज़ कंपेरेबल, दैट इज़ 1/10^9 मीटर, ये हमने देखा था. देन नैनो पार्टिकल्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ऑन एनवायरनमेंट, ऑन डस्ट, क्लाउड फॉर्मेशन, हिमालयन ग्लेशियर्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एल्बेडो कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वो हमने चेकआउट किया था. ओजोन डिप्लीशन के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहेगा. स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था. एंड नेक्स्ट हमने कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स तो व्हीकल्स हमने देखा था, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, या वोल्केनोज हो गया, या फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, सो ये नेचुरली भी इमिट हो सकता है, तो ये भी हमने देखा था. कार्बन मोनोऑक्साइड इज नेचुरल ऑल्सो फ्रॉम द वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा. ओके, तो वो हमने देखा था. एंड इसके हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट होता है, ऑक्सीजन लेवल कैसे ड्रॉप डाउन हो सकता है, हीमोग्लोबिन कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच अब्सर्व्स द स्पेस इन हीमोग्लोबिन नॉर्मली कैरीज द ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल कैसे ड्रॉप डाउन हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, वो हमने चेकआउट किया था. बट इट इज़ नॉट अ, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ओके, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो भी एक पॉइंट आपको याद रखना है. ठीक है, एंड इट इज़ नॉट इवन द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बट इट इज़ टॉक्सिक. ओके, इट इज़ अ हाईली टॉक्सिक गैस. ठीक है, तो इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं हम पे. देन उसके बाद आएगा CO2. सो आई थिंक हमने कार्बन मोनोऑक्साइड तक लास्ट लेक्चर में कवर किया था. एंड नेक्स्ट इज़ द CO2 एंड विच इज़ हेवियर. देखो, अभी ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कलरलेस है, ओडरलेस है एंड इट इज़ हेवियर दैन एयर. तो हेवियर होगा एयर से भी, क्या होता है, ये हेवियर होता है. सो दैट्स मीन कि ये लोअर एटमोसफेयर में सैचुरेट हो सकता है, मतलब लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे ये क्या होगा, सैचुरेशन होगा इसका CO2 का. एंड नाउ इट इज़ कंसिडर एज द ग्रीन हाउस गैस. ओके, तो ये ग्रीन हाउस गैस कंसिडर होगा बिकॉज जो भी लॉन्ग वेव्स होगी तो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद CO2 विल राइज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फियर. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो सकता है. ओके, तो ये पॉइंट भी हमने कवर किया था. एंड नेचुरल सोर्स अगर इसका देखा जाए तो सोर्सेस कौन से आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, सो दैट इज़ द नेचुरली भी अवेलेबल होता है वोल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स, गेशियस, ओके, कार्बोनेटेड रॉक्स बाय डिसोल्यूशन इन द वाटर एंड एसिड्स एक्सेट्रा. एंड उसके बाद ये सोल्यूबल भी होता है वाटर में, वो भी एक पॉइंट आपको याद रखना है. एंड ग्राउंड वाटर रिवर्स में हो सकता है, लेक्स में हो सकता है, आइस कैप में हो सकता है, एंड ग्लेशियर्स एंड ऑल्सो इन द सी वाटर. ठीक है, तो इसके ये सोर्सेस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके सोर्सेस में आपको तो पता ही है कि जैसे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं. ओके, देन उसके बाद व्हीकल से भी इमिशन हो सकता है. देन जो भी हम स्टबल बर्निंग करते हैं तो स्टबल बर्निंग से भी ये इमिट होता है. सो जितना भी यहाँ पे हम एंथ्रोपोजेनिक अगर रीज़न देखेंगे तो इसके सबसे ज़्यादा हो गए, मतलब नेचुरली उतना ज़्यादा इमिट नहीं होता है, बट मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न फॉर द CO2 इज़ द एंथ्रोपोजेनिक. ओके, ह्यूमन इंड्यूस रहेगा. सो इट इज़ एन एक्सपीजिएंट गैस. CO2 इज़ एन एक्सपीजिएंट गैस, अ कंडीशन अराइजिंग वेन द बॉडी इज डिप्राइड ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस और डेथ. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऐसे गैसेस को क्या कहते हैं हम, एक्सपीजिएंट गैस, कि जहाँ पे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल ड्रॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ऐसे गैसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपीजिएंट गैस. ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नोट करके रखना कि CO2 इज द एक्सपीजिएंट गैस. ओके,
और इससे क्या हो सकता है कि हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं एंड डेथ भी हो सकती है. मतलब जितना सी ओ टू लेवल राइज होगा, इवन इफ देयर इज अ गुड कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन, बट अगर सी ओ टू का परसेंटेज यहाँ पे 7% और उससे ज़्यादा हो जाता है अगर, सो इट कॉज द सफोगेशन. ठीक है, एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द सफिशियंट ऑक्सीजन, मैनिफेस्टिंग एज द डिजीनेस, हेडेक हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है. मतलब ऑक्सीजन का भी कंटेंट अच्छा है, बट अगर मोर देन 7% तक अगर सी ओ टू निकल जाता है, कोई भी अगर हम देखा जाए, कोई भी एक कोई भी इंडस्ट्रीज में अगर देखते हैं या कोई भी एरियाज में रहेगा, पर्टिकुलर एरियाज में अगर सी ओ टू का लेवल इंक्रीज होगा, तो दैट विल कॉज द सफोगेशन. ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, डेजीनेस, हेडेक, ओके, एंड डेथ भी यहाँ पे पॉसिबल होगी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन सी ओ टू का इंक्रीज होता है या कंजम्पशन में ज़्यादा आ जाता है तो. ठीक है, सो दैट विल कॉज द डेथ ऑल्सो. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. यस, इट इज़ द ग्रीन हाउस गैस डेफिनेटली. ओके, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो सी ओ टू, 40% तक सी ओ टू होता है. अगर हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज कौन से आते हैं इंपॉर्टेंट, यस, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है सी ओ टू, सेकेंड कौन सा होगा, मिथेन, थर्ड होगा सी एफ सी, एंड फोर्थ इज़ द नाइट्रस ऑक्साइड. सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ओके, सो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सबसे ज़्यादा इसमें 40% तक कौन होता है, अकेला सी ओ टू होता है. तो कार्बन सॉरी मिथेन इज द ऑल्सो देयर, एंड सी एफ सी, ये क्या है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को ज़्यादा माना जाता है एज कम्पेयर टू द ग्रीन हाउस गैसेस. इसका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ओ डी एस, एज अ ओ डी एस अगर देखेंगे हम तो सी एफ सी इंपॉर्टेंट है, बट ये बाकी ओ डी एस उतने नहीं है कि जैसे सी ओ टू अगर देखा जाए, मिथेन एंड एन टू ओ, दीज आर नॉट मच रिस्पॉन्सिबल टू वी कैन से डिप्लीट द ओजोन. तो ओजोन डिप्लीशन के लिए सी एफ सी इंपॉर्टेंट है, बट सी ओ टू अगर मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में देखा जाए तो इसका परसेंटेज ज़्यादा है, बट उतना ग्रीन हाउस गैसेस के लिए इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. तो इस पर हम फोकस इसलिए करेंगे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है. ओके, सो दीज आर द फोर ग्रीन हाउस गैसेस. ये आपको नंबर वाइज परसेंटेज वाइज याद रखना है, शायद यूपीएससी पूछ सकती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाओ एज देयर परसेंटेज. सो योर आंसर मस्ट बी यस, सी ओ टू फर्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस में, सेकंड आएगा मीथेन, थर्ड आएगा सी एफ सी, फोर्थ होगा एन टू ओ. ओके, एंड सेकंड है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. इट ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन बिकॉज इट डिजॉल्व इन द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो सकता है, ओशन एसिडिफिकेशन भी पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, सो चलो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सी ओ टू, एंड इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल होगा. ठीक है, जहाँ पे हमने कमिट किया कि मतलब मोस्टली क्योटो प्रोटोकॉल जो थे उसमें एनेक्स वन, एनेक्स टू कंट्रीज, एनेक्स बी कंट्रीज, ठीक है, यह सब हम जब UNFCCC का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे तब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले इसको. बट अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमने कमिट किया था कि सी ओ टू इमिशन कम करेंगे, सेम इन द पेरिस समिट जो 2015 में हुआ था, COP21. ओके, COP21 में यहाँ पे भी हमने कमिट किया था कि हम किसका इसका परसेंटेज जो है, मतलब सी ओ टू परसेंटेज, वो ओवर द टाइम कम करेंगे. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल रिलेटेड टू द सी ओ टू डिक्रीज. ओके, सी ओ टू इमिशन कम करने के लिए, दैट इज द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस समिट. ओके, पेरिस कॉन्फ्रेंस. ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट हो गए इसके लिए, बाकी तो चलो ठीक है. फिर इसके सी ओ टू सिंक एज अ देखा जाए तो इसको एक ऑप्शन हो सकता है, दैट इज़ द सी ओ टू सिंक. जितना हम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करेंगे तो उतना सी ओ टू सिंक इंक्रीज होगा. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक इसका ऑप्शन हो सकता है. सो दैट इज़ द फॉरेस्ट कवर, टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर एंड टू मेंटेन द लेवल्स ऑफ द, यस, दैट इज कोरल रिफ्स ऑल्सो. तो कोरल रिफ भी एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन माने जाते हैं. कोरल्स भी क्या होते हैं, कार्बन सिंक होते हैं, ओशन भी कार्बन सिंक होता है. एंड सेकेंड है तो सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम प्लांटेशन अफॉरेस्टेशन जितना करेंगे तो उतना सी ओ टू लेवल ये लिमिट में रह सकता है. एंड अनदर वे इज़ दैट कि इंडस्ट्री पे भी आप कंट्रोल करो. ठीक है, तो इंडस्ट्री जितने सी ओ टू इमिट कर रहे तो उस पर भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द सोल्यूशंस जो हमने टेंटेटिवली डिस्कस किया, और इसके डिटेल्स हम एवरी कन्वेंशन देखेंगे रिलेटेड टू सी ओ टू. बट फर्स्ट हम पोल्यूटेंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद कन्वेंशंस पे मूव करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पोल्यूटेंट दैट इज़ द नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड. सो NOx इज अ जेनेरिक टर्म ऑफ वेरियस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन. ठीक है, तो कंबशन के टाइम पे जनरली ये क्रिएट होता है. ओके, सेकेंड है प्रोड्यूस मेनली इंटरनल कंबशन इंजिन एंड कोल बर्निंग पावर प्लांट्स एंड ऑल्सो नेचुरली फाउंड इन द लाइटनिंग. ओके, जो लाइटनिंग होता है ना, जब रेनफॉल के टाइम, तो उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट होता है फर्स्ट. सेकेंड है कोल बर्निंग प्लांट में भी नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट हो सकता है, उसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स है. एंड व्हीकल्स के थ्रू
इंटरनल कंबंशन जो होता है तो वहाँ पे भी क्रिएट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो समझ रहे हैं सबको सोर्सेस, इंपॉर्टेंट सोर्सेस कौन से हैं? तो देखना आपकी जो भी इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पे होगा, कोल थर्मल पावर प्लांट्स में भी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रिएट हो सकता है, व्हीकल से भी क्रिएट हो सकता है एंड लाइटनिंग से भी क्रिएट हो सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड के जो सोर्सेस है उस पर कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिकॉज यूपीएससी ने वही किया है कि जैसे लास्ट ईयर सल्फर का कंटेंट इंक्रीज हुआ था तो 19 में सल्फर के कंटेंट पे क्वेश्चन दिया था। देन नाइट्रोजन इमिशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, सिंपल नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम, बट नाइट्रोजन इमिशन जैसे कि आपके पोल्ट्री फार्म्स होते हैं या जैसे एनिमल हस्बेंड्री जो एरियाज होते हैं, मतलब काउज एंड डंग्स, काउ डंक वगैरह एक्सेट्रा, तो उससे भी ये इमिट हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे जितने भी नाइट्रोजन के पॉसिबल सोर्सेस है वो भी चेकआउट करो। एंड सेकेंड है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी सोर्सेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए, तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। एंड इट बिलीव टू बी द एग्रीवेटेड अस्थमेटिक कंडीशन, मतलब हेल्थ इंपैक्ट क्या हो सकते हैं इसके नाइट्रोजन ऑक्साइड से, कि एस्थमेटिक कंडीशन इंक्रीज हो सकती है, क्रिएट मेनी रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज़। तो इसका भी अगर देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज में अगर रेस्पिरेटरी जो भी सिम्टम्स यहाँ पे आपको दिख सकती है या डिसीजेस रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन, ठीक है, वो भी पॉसिबल हो सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ठीक है, तो ये हो गए हेल्थ इम्पैक्ट। सेकेंड है नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ स्मोक, ओके, एंड एसिड रेन्स एज वेल एज बिंग सेंट्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हजार्डस होता है, ओजोन मतलब सबसे हजार्डस होगा। ठीक है, याद रखना ग्राउंड लेवल ओजोन इज नॉट गुड फॉर अस, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है दैट इज गुड फॉर अस बिकॉज दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ओजोन सॉरी दैट इज फ्रॉम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन। बट जो ओजोन का प्रेजेंस होना ग्राउंड लेवल पे दैट इज नॉट गुड। एंड ओजोन के प्रेजेंस के लिए अगर देखा जाए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन ये दो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है ना, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनके दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद थर्ड जो बनता है दैट इज द O3, दैट इज ओजोन। ओके, सो दिस इंक्रीज नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन द ओजोन ऑल्सो। अभी दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी अभी देखो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल अगेन सीवियर लेवल पे जा रहे हैं, और तब ओजोन का भी क्रिएशन हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है व्हेन द नाइट्रोजन ऑक्साइड नंबर विल इंक्रीज। ठीक है, सो तब ओजोन का नंबर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है एंड दैट इज द टाइप ऑफ स्मॉग। ठीक है, स्मॉग आज हम कवर करने वाले, जिसमें दो टाइप हो गए, दैट इज लंडन स्मॉग, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द दैट इज सल्फर स्मॉग। एंड सेकेंड जो हम देखने वाले हैं लॉस एंजल्स स्मॉग होगा एक, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज द फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, सो वो भी आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो उसमें आपको समझ जाएगा कि एग्जैक्टली स्मॉग के लिए कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो वो स्मॉग भी हम थोड़ा आगे कवर कर लेते हैं। एंड एसिड रेन के लिए तो डेफिनेटली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये याद रखना क्या क्या होता है यहाँ से, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट्स द एसिड रेन कंडीशन। ठीक है, तो इससे एसिड रेन भी हो सकता है। ओके, तो ये भी एक हमें याद रखना है। सेकेंड है व्हेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट दे फॉर्म अ फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो समर वाले स्मॉग आते हैं, मतलब देखो दिल्ली में दो काइंड के स्मॉग आपको दिखेंगे, विंटर में जो होते हैं वो सल्फर स्मॉग होते हैं एंड समर में जो होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं। ठीक है, तो अभी तो विंटर लाइक कंडीशन है तो अब डिफरेंट हो गए, मतलब मोस्टली स्टबल बर्निंग से जो स्मोक क्रिएट होगा और उसी वजह से सल्फर स्मॉग होगा। बट आज की कंडीशन मतलब अभी थोड़ा समर में अगर हम देखते हैं तो समर में कौन सा होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग। एंड व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड ओके प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद द सनलाइट, ओके सनलाइट, ये तीनों जब मिल जाएंगे तब आपका क्या क्रिएट होगा, दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि समर में क्रिएट होता है। ठीक है, तो ऐसे हम पॉइंट्स हम देखेंगे। एंड मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड इवेंचुअली फॉर्म अ नाइट्रिक एसिड व्हेन अ डिजॉल्व एटमोस्फेरिक मॉइस्चर फॉर्मिंग अ कंपोनेंट ऑफ द एसिड रेन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है। चलो एनीवेज हमने देख लिया कि क्या क्या हो सकता है, इससे स्मॉग हो सकता है फर्स्ट थिंग, सेकेंड एसिड रेन पॉसिबल है। ठीक है, देन उसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग कंडीशन, स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग कंडीशन एक पॉसिबल हो सकती है। एंड इट विल एग्रीवेट यूर अस्थमा कंडीशन। ठीक है, ये भी एक हो सकता है, रेस्पिरेटरी इशूज़ यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, वो हमने देखा है। एंड इसके सोर्सेस ऑलरेडी वी डिस्कस, दैट इज इंटरनल कंबशन ऑफ द इंजिन्स ऑफ द व्हीकल्स, कोल बर्निंग प्लांट्स एंड लाइटनिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट सोर्सेस हो गए। ओके, क्लियर यहाँ तक सबको, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट इज द CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
and that is very important for the we can say कि as a considered as the ozone depleting substance, और इसके related किगाली agreement आप लोगों ने शायद सुना होगा, या सबसे important सबसे पहला वाला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ओके 1987 का, सो दैट इज़ टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है तो वो कम करने के लिए ऐसे कुछ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, ठीक है. तो वो किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बट उसमें भी सी एफ सी पे उन्होंने सबसे ज़्यादा टारगेट किया था, बिकॉज सी एफ सी हैज़ द ऑलमोस्ट हाइएस्ट कैपेबिलिटी टू टू वी कैन से दैट इज टू डिप्लीट द ओजोन लेयर. ओके समझ रहे हैं सबको, तो सबसे हाईएस्ट कैपेबिलिटी किसकी होती है डिप्लीट करने की ओजोन लेयर को, सो दैट इज ऑफ द सी एफ सी. तो यही जो सी एफ सी है तो वो कम करने के लिए हमारा पहला प्रोटोकॉल हुआ था, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में. सो दैट ओजोन में जब होल क्रिएट हुआ था तब ये प्रोटोकॉल जनरली हुआ था. उसी अकॉर्डिंगली हमने आने वाले 10-15 साल में बहुत अच्छे लेवल तक सी एफ सी कम कर दिया था, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में होता है सी एफ सी अगर देखा जाए, या फिर कूलेंट जो होता है, या जो परफ्यूम्स होता है, ठीक है, तो उसमें जनरली यूज़ किया जाता है सी एफ सी. अब सेकेंड बात यह है कि इसका ही एक्सटेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन 2015 में जो आता वो था किगाली एग्रीमेंट, ठीक है. और किगाली में हमने क्या किया, अभी सी एफ सी अच्छे लेवल तक कम कर दिया, बट इसको जो ऑप्शन हमने सी एफ सी को तब लिया था दैट इज़ द एच एफ सी, तो अभी एच एफ सी भी हम कम करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है. तो ये सब चलेगा अभी जब तक इंडिया का टारगेट अगर देखा जाए किगाली में, अगर देखेंगे हम एच एफ सी हमें कब 80% तक रिड्यूस करना है, 75-80% तक बाय 2047. ओके तो ये इंडिया के कुछ टारगेट्स हैं, ठीक है, वो टारगेट्स भी देख लो, किगाली एग्रीमेंट क्या होता है वो थोड़ा सा लुकआउट कर देना, ठीक है. तो यही अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट होगा. सो चलो लेट्स सी अबाउट द सी एफ सी. सो दिस सी एफ सी आर यूज इन द रेफ्रिजरेटर्स, ओके, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेज में जनरली यूज होता है. सिंस द लेट 1970s द यूज ऑफ सी एफ सी हैज़ बीन हेवीली रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर, ठीक है. तो जो 1970s में जनरली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या हो रहा था कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा था, तो इसलिए फिर इसके बाद 1970s के बाद, या फिर वी कैन से एग्जैक्ट ऑन द 1987, सो हमने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया था, वही इसके लिए किया था कि सी एफ सी का रिडक्शन हो जाए, सी एफ सी हम कम करें. सो मॉन्ट्रियल ऑन द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर अ प्रोटोकॉल टू द वियना कन्वेंशन, मतलब इसके पहले 1985 में तो सबसे पहले मीटिंग हुई थी वैसे देखा जाए तो ओजोन लेयर के रिगार्डिंग. तो 85 में वियना कन्वेंशन होता है, बट वहाँ पे जनरली सिर्फ डिस्कशन होता है, उसके कोई स्टेप्स नहीं या प्रोटोकॉल नहीं होता है, बट 2 साल के बाद एक्चुअल 1987 में प्रोटोकॉल होता है और वो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, एंड विच वॉज द लीगली बाइंडिंग, ओके, जो बाइंडिंग था सब पे, ओके. सो ऐसा कन्वेंशन यहाँ पे होता है, इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय द फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूमेरस सब्सटेंस इंक्लूडिंग सी एफ सी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन. ओके तो ये सी एफ सी के बारे में थोड़ा सा याद रखो, ये करंट में हमेशा आपको पूछा जाएगा, करंट में हमेशा रहता है, दैट इज द सी एफ सी. ओके तो इसके सोर्सेस क्या क्या है, तो वो चलो हमने टेंटेटिवली तो देख लिया, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको थोड़ा आज असाइनमेंट रहेगा कि आपको और भी सी एफ सी के जो सोर्सेस है वो यहाँ पे अपडेट करना है, प्लीज़ अपडेट द ऑल द सोर्सेस ऑफ द सी एफ सी, ठीक है, शायद इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. बाकी तो कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड एच एफ सी के लिए कौन सा है, किगाली प्रोटोकॉल. इंडिया का टारगेट कब का है, 2047, नॉट एलिमिनेशन ऑफ द एच एफ सी बट रिडक्शन ऑफ 80 अप टू 80% बाय 2047, ये इंडिया का टारगेट, ठीक है. तो ये टारगेट्स वगैरह पे भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट द सी एफ सी, एनी क्वेश्चन अप टू द सी एफ सी, किसी का कुछ क्वेश्चन है यू कैन सिंपली राइट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो. यस एनी क्वेश्चन, यस इज देयर एनी क्वेश्चन अप टू सी एफ सी, ठीक है देखते हैं आगे. सो दैट इज द ओजोन लेयर, ओके. ओजोन, ओजोन जैसे हमने देखा था कि दो टाइप में ओजोन होता है, दैट इज द ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है. तो जो कि बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रेटोस्फेरिक है तो डेफिनेटली हमें ये प्रोटेक्ट करता है हार्श यूवी सन रेज से. सो इट ऑकर्स नेचुरली इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन. हाउएवर द ग्राउंड लेवल ओजोन इज अ पोल्यूटेंट, ओके, विथ हाईली टॉक्सिक इफेक्ट. व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री आर मेजर सोर्सेस ऑफ द ग्राउंड लेवल ओजोन. तो देखो ओजोन ये डायरेक्ट पोल्यूटेंट नहीं है, सो इट इज़ द इनडायरेक्ट पोल्यूटेंट, और वी कैन कॉल इट एज ऑल्सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इट इज़ नॉट द प्राइमरी पोल्यूटेंट, ओके, इट इज़ द सेकेंडरी पोल्यूटेंट. मतलब
प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं, जैसे हमने देखा ना नाइट्रस ऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके रिएक्शन की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएट होता है एंड दैट इज़ द ओजोन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं होता, याद रखना। ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड प्लेज अ मेजर रोल इन कन्वर्टिंग ओ टू टू ओ थ्री एंड ओजोन मेक्स अवर आइज इची वाटरी, इट लोअर्स अवर रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड निमोनिया। ठीक है, सो निमोनिया भी हो सकता है, कोल्ड से रेजिस्टेंस हमारा कम कर सकता है, आइज इची हो सकते हैं, वाटरी हो सकता है। सो ये इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं ओजोन के। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट ओजोन एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ग्राउंड लेवल बैड ओजोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हमने ऑलरेडी कवर किया, सो आई विल स्किप दैट। ओके, नेक्स्ट होते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत बार हम सुनते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सिंपल है, देखो ये कार्बन बेस्ड होते हैं, आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ द कार्बन बेस्ड केमिकल्स दैट इजिली इवेपरेट एट द रूम टेम्परेचर। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो -19 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब आपका जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है इसमें ये इवेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो फॉर्मल डिहाइड कॉज इरिटेशन टू द आईज एंड नोज एंड एलर्जीज यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं, मतलब इसकी वजह से हो सकता है। जनरली आप जब पेंट होता है, देखो कोई रूम को जब पेंट किया जाता है तब आपको देखना थोड़ा सा आपको एक वी कैन से कि आईज थोड़े से वॉटरी हो सकते हैं या इची हो सकते हैं, या जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नोज एंड इसमें कुछ एलर्जिक आपको फील हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ द इरिटेशन, मतलब जो इरिटेशन होता है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो जो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस किस में होते हैं, तो सोर्सेज पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज़ द परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेज, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रिपेलेंट्स होते हैं, या वुड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो याद रखना ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जिसमें जनरली यूज़ किया जाता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? एंड इसके हेल्थ इफेक्ट क्या क्या होंगे, इरिटेशन ऑफ द आईज, नोज, थ्रोट, हेडेक, नोजिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो इतने सारे इसके डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकते हैं, हजार्डस इम्पैक्ट हो सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट भी इसके पॉसिबल है, विद डैमेज टू द लीवर एंड द पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो लीवर पे भी ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, सो ये भी पॉइंट थोड़ा सा नोट करके रखना अबाउट द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये हम देखने वाले स्मॉग में, जब हम स्मॉग देखने वाले फोटोकेमिकल स्मॉग, तब अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन इंटरैक्ट विद द नाइट्रस ऑक्साइड प्लस यहाँ पे अगर सनरेज आ जाते तो फोटोकेमिकल स्मॉग लाइक कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो वही हम देखने वाले थोड़ा सा बाद में, तो इसको और भी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ अ टॉक्सिक गैस। ओके, पंजेंट कुछ स्मेल होता है यहाँ पे, इरिटेटिंग स्मेल होता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द एसिड रेन। ठीक है, सो इसका कंट्रीब्यूशन किस में, हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस SO2 इज गिव्स द एसिड रेन। ठीक है, तो ये एसिड रेन कंडीशन बनाते हैं। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड एंड SO2। सेकेंड है, इट इज़ अ रिलीज नेचुरली बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी। सो चलो नेचुरल भी आता है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, मतलब ये क्वालिटेटिव रहेगा क्या? येस, प्लीज टेल मी अबाउट दैट, SO2 इज द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट और नॉट? फास्ट रिप्लाई, फास्ट, ये लास्ट लेक्चर जिन्होंने किया है उनके लिए बेनिफिशियल होगा ही है। ठीक है, प्लीज़ एवरी लेक्चर करो, हर पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतना डिटेल में कोई भी बुक में नहीं दिया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो प्लीज़ टेल मी, इट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड इज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट और नॉट, येस और नो? प्लीज़ रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, बी इंटरएक्टिव फास्ट। सल्फर डाइऑक्साइड इज यस क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट और नॉट? फास्ट। ओके, आई थिंक आपके एंड से थोड़े से आंसर लेट आ रहे हैं, बट ठीक है, याद रखना क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट मतलब क्या है, विच आर कंप्लीटली एंथ्रोपोजेनिक, विच आर कंप्लीटली ह्यूमन इंड्यूस्ड, जो कंप्लीटली क्या होते हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। ओके, कंप्लीटली एंथ्रोपोजेनिक होता है, सो उनको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, बिकॉज इट इज़ नेचुरल ऑल्सो, नेचुरली भी ये क्रिएट होते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ नॉट क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। ओके, सो ऐसे भी UPSC पूछ सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, सो योर आंसर मस्ट बी लाइक प्लास्टिक हो सकता है, CFC हो सकता है, तो ये क्या है कि एंडोसल्फान होगा, DDT होगा, ये होते क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। ओके, इट इज़ अ, सो चलो SO2 पे आ जाते फिर से, इट इज़ एबंडेंटली अवेलेबल इन द एटमोसफियर ऑफ द वीनस। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा हम दूर निकल गए, बट ठीक है, ऐसे एज अ एवेल्युएशन आप देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्राइमरली प्रोड्यूस फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग एंड इनहेलिंग सल्फर डाइऑक्साइड इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड प्रीमैच्योर डेथ। ठीक है,
ठीक है, तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इट ऑल्सो वीकन्स द फंक्शनिंग ऑफ द सर्टन नर्वस सिस्टम, भी डैमेज कर सकता है ये। एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कोल। तो याद रखना, कोल बर्निंग अगर होता है या स्टबल बर्निंग भी होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकता है। ओके, तो बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग थर्मल पावर प्लांट्स डीजल फ्यूल्स, इससे सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड स्मेल्टिंग ऑफ द मेटल्स, ठीक है, तो यहाँ से भी इमिट होगा। देखो, इस बार भी यूपीएससी ने बहुत बार, मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे, एटलीस्ट दो क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स में थे कि जिन्होंने फोकस किया था कि कहाँ कहाँ से कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होता है। जैसे बेंजीन के बारे में उन्होंने पूछा था, तो वैसे ही याद रखो सल्फर डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, ये कहाँ कहाँ से इमिट होता है, स्टबल बर्निंग थर्मल पावर प्लांट डीजल फ्यूल्स, एंड उसके बाद पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग ऑफ द मेटल्स, आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज हो गए, तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड ऑक्सीजन, ओके, एंड द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स सच एज पायराइट, स्फेलराइट, सिनाबार, मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है, तो ये रोस्टिंग के इसमें भी जनरली इसका क्रिएशन होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है बेंजीन, जो कि इस बार का यूपीएससी का क्वेश्चन था। सो बेंजीन इज अ नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ऑयल एंड इज वन ऑफ द एलिमेंट्री पेट्रोकेमिकल, ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स में मोस्टली ये रिलीज होता है बेंजीन अगर देखा जाए। सो बिकॉज ऑफ बेंजीन हैज अ हाई ऑक्टेन नंबर, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द गैसोलीन पेट्रोल। ओके, तो गैसोलीन में मोस्टली बेंजीन होता है, याद रखना, एंड बेंजीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर इलनेस। तो इससे बहुत ही हजार्डस इम्पैक्ट है, दैट इज द कैंसर हो सकता है इससे, ठीक है। एंड बेंजीन इज अ नोटोरियस कॉज अ बोन मैरो फेलियर, ठीक है, तो इससे बोन मैरो भी आपका फेल हो सकता है, ठीक है। सो ऐसे ये बेंजीन के इम्पैक्ट से, सो नाउ इट्स होमवर्क फॉर यू, बिकॉज आप जब खुद करोगे तब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा और भी याद रहेगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ, देखो जो करेंगे उनका ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बेंजीन के सोर्सेस क्या क्या है ये आपको मतलब नोट डाउन करना है, ठीक है। सो गूगल पे आराम से आपको मिल जाएगा, या इस बार का 2020 का जो पेपर था उसमें तो पूरा अच्छे से दिया है, मुझे लगता है दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एस्बेस्टॉस, इट रेफर्स टू सेट ऑफ अ सिक्स नेचुरल ऑकरिंग सिलिकेट्स फाइबरस मिनरल्स, दैट इज द क्रायस्टोलाइट, ओके, क्रायडोलाइट, ऐसे कुछ पार्ट्स है तो इसमें होता है जनरली। एंड इट इज नोन फॉर दैट प्रोलॉन्ग इनहेलेशन ऑफ द एस्बेस्टॉस फाइबर्स कैन कॉज अ सीरियस एंड फैटल इलनेस ऑल्सो, एंड इंक्लूडिंग लंग कैंसर, मेजोथेलेमिया, एस्बेस्टोसिस, ऐसे कुछ होते हैं तो ये डिसीज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द इथिलीन, देखो ये छोटे छोटे गैसेस इसलिए हम फास्ट कवर कर लेते हैं इसको। एंड इथिलीन इज अ वाइडली यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड मच ऑफ दिस प्रोडक्शन गोज टूवर्ड द पॉलीथिलीन एंड वाइडली यूज प्लास्टिक, मतलब जो प्लास्टिक वगैरह क्रिएशन होता है, पॉलीमर चेन्स होती है उसमें, तो उसमें इथिलीन क्रिएट होता है, ठीक है। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो हो गई, मतलब प्लास्टिक रिलेटेड, तो उसमें इथिलीन जनरली क्रिएट होता है। ओके, एंड इथिलीन इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्लांट हार्मोन, तो नेचुरली भी ये अवेलेबल होगा, प्लांट के हार्मोन्स में नेचुरली ये अवेलेबल होता है। एंड यूज इन द एग्रीकल्चर टू फोर्स द रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ठीक है, तो समझ रहे हैं, तो रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स का जो मतलब फोर्स, जो रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स होता है, तो उसमें भी इथिलीन यूज किया जाता है। ओके, सो इथिलीन इज अ लो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन, याद रखना, इसको थोड़ा सा लो टॉक्सिसिटी होती है, एंड एक्सपोजर टू एक्सेस इथिलीन कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, हेडेक, ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जाता है तब जाके इसके इश्यूज होते हैं। एंड इथिलीन इज नॉट अ बट इथिलीन ऑक्साइड इज अ कार्सिनोजिन, ठीक है, तो इथिलीन इट्सेल्फ इज नॉट अ कार्सिनोजिन, बट इथिलीन ऑक्साइड जब होता है तब वो कार्सिनोजिन, कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकता है, इथिलीन ऑक्साइड है, नॉट इथिलीन डायरेक्टली। सो अगर यूपीएससी पूछती है इथिलीन इज द कार्सिनोजिन मटेरियल, सो इट इज़ नॉट, ओके, कार्सिनोजिन पोल्यूटेंट इट इज़ नॉट, ओके, तो याद रखना इथिलीन ऑक्साइड होगा तभी आपका आंसर राइट होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेसिफाइड कर लो हर एक चीज़ को, ठीक है। देन उसके बाद बायोलॉजिकल भी पोल्यूटेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे कि पोलन ऑफ द प्लांट्स, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके, वो ऑब्वियसली वो भी रेस्पिरेशन से अगर जाते हैं तो डेफिनेटली उसके भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट माइट्स होते हैं, हेयर फ्रॉम पेट्स होता है, उससे भी एस्थमेटिक कंडीशन आ सकती है, फंगाई, पैरासाइट, सम बैक्टीरिया, एंड मोस्ट आर एलर्जेटिक टू द एस्थमा एंड कॉज एस्थमा, ठीक है, तो एस्थमा के लिए बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट हो सकता है, ठीक है। एंड रेडॉन, इट इज़ अ गैस दैट इज इमिटेड नेचुरली बाय द सॉइल, तो उसको रेडॉन कहा जाता है। ड्यू टू द मॉडर्न हाउस हैविंग पुअर वेंटिलेशन, इट इज़ कन्फाइंड इनसाइड द हाउस एंड कॉज द लंग कैंसर, ठीक है, तो रेडॉन से क्या होता है, लंग कैंसर भी हो सकता है जनरली। इट नेचुरली इमिट फ्रॉम द सॉइल एंड बहुत ज़्यादा सफोगेटिव, विदाउट पुअर वेंटिलेशन होगा तो रेडॉन भी क्या हो सकता है, एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, इमिट हो सकते हैं, एंड उससे क्या हो सकता है, लंग कैंसर्स हो सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेडॉन, तो प्लीज़ इनके सोर्सेस अच्छे से देख लो, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स हैं आपके लिए यहाँ पे रखे,
आपको डिटेल्स में देखना, ये आपका एंड का काम है, ठीक है? तो थोड़ा सा आपको डिटेल में देखना है इसमें, ठीक है? सो द नेक्स्ट पार्ट इज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम देखने वाले हैं, एंड दैट इज यस स्मॉग कंडीशंस। ओके, तो स्मॉग देखते हैं, आज हमें स्मॉग कवर करना था, दैट इज स्मोक प्लस फॉग। ओके, दैट इज नोन एज द स्मॉग। तो देखो, स्मॉग कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग इज नोन एज स्मॉग, एंड टाइप्स ऑफ इंटेंस एयर पोल्यूशन में आता ही है, एंड दिस काइंड ऑफ विजिबल एयर पोल्यूशन इज कम्पोज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, ओजोन, स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स, ठीक है? तो इससे मिलके ये क्या बनता है, स्मॉग बनता है। एंड डेफिनेटली ये स्मॉग के लिए रीजन क्या क्या हो गए, सो दैट इज कोल कंबशन इंजिनस, ओके, सेकेंड थर्मल पावर प्लांट्स, वेहिकुलर इमिशंस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर फायर्स, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ दिस इमिशंस, ठीक है? तो उसी वजह से ये स्मॉग जनरली क्रिएट होते हैं, स्मोक प्लस फॉग। एंड दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो दैट इज, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मॉग, वन इज कॉल्ड एज द क्लासिकल स्मॉग एंड सल्फर स्मॉग, एंड अनदर इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है किसी का, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। यस, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। यस, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? प्लीज राइट योर मैसेज इन द चैट बॉक्स। आई थिंक आपके मैसेज ही नहीं आ रहे। यस, एनी क्वेश्चन? ठीक है, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्मॉग। सो फर्स्ट इज द क्लासिकल स्मॉग एंड सल्फर स्मॉग, ठीक है? तो ये देखते कब होता है, क्या होता है। तो देखो, नाम में ही है, क्लासिकल अगर यूपीएससी देती है तो फिर तो कुछ अंडरस्टैंड होने से नहीं रहा हमें, ठीक है? अगर सल्फर स्मॉग देती है तो उतना तो समझ जाएगा कि ये सल्फर कंटेंट ज़्यादा होगा तो शायद ये स्मॉग होगा, बट यूपीएससी वैसा नहीं करेगी कि जो आपको समझ जाए, ठीक है? तो ऐसे ही होगा कि एक तो क्लासिकल स्मॉग दिया जाएगा या फिर लंडन स्मॉग, ऐसे कुछ दिया जाएगा आपको। तो याद रखना कि क्लासिकल स्मॉग और लंडन स्मॉग और ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग इज नथिंग बट द सल्फर स्मॉग। ओके, समझ रहा है सबको? तो सल्फर कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा लो टेम्परेचर कंडीशन होगी, दैट इज नथिंग बट विंटर होगा, अगर विंटर सेशन चल रहे हैं, ठीक है? और तब एयर में अगर सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है, दैट इज कार्बन डस्ट, कार्बन सूट, ब्लैक कार्बन, मेटालिक डस्ट एक्सेट्रा, ओके, जहाँ कंस्ट्रक्शन के वर्क भी थ्रू डस्ट निकलती है, या फिर व्हीकल से भी अगर हम देखते उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से डस्ट निकल सकती है, या सीमेंट की भी डस्ट हो सकती है, या सिंपली अगर देखा जाए तो जो स्टबल बर्निंग होगा, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे स्मोक हो सकता है। तो स्टबल बर्निंग का जो स्मोक है या उसका रिएक्शन जब सल्फर डाइऑक्साइड से होता है या पार्टिकुलेट मैटर से जब होगा, तो तब पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे कौन सा स्मोक क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ द सल्फर स्मोक, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लंडन स्मॉग, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम कुछ ऑब्जर्व किया गया था 1952 में एज इन द लंडन, सो इसलिए इसको लंडन स्मॉग भी कहा जाता है। तो शायद इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ द लंडन स्मॉग। तो देखो, लंडन है मतलब टेम्परेचर कम है, है ना? ऐसे ही इमेजिन करना पड़ेगा हमें, है ना? तो लंडन मतलब क्या है कि थोड़ा ठंडी वाला एरिया है, बराबर है, टेम्परेचर कम है, तो डेफिनेटली वहाँ पर कौन सा होगा, विंटर में होगा ये। तो याद रखना, क्लासिकल स्मॉग कब होता है, विंटर कंडीशंस में, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सल्फर स्मॉग। सो द सल्फर स्मॉग रिजल्ट फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, एंड इट इज कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सल्फर बियरिंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है? तो सल्फर बियरिंग जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पर्टिकुलरली कोल जब अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो उसमें होगा, एंड कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ द पावर इन लंडन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मतलब वो लंडन की बात चल रही है। द इफेक्ट्स ऑफ द कोल बर्निंग वेयर ऑब्जर्व इन द अर्ली 20th सेंचुरी, तो जब कोल कंटेंट ज़्यादा वो तो चलो तब की बात हो गई लंडन की, बट इंडिया में आज की कंडीशन में कोल बियरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया के ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एनर्जी जो आती है तो कोल के थर्मल पावर प्लांट से आती है, याद रखना। तो इसलिए आज इंडिया में तो फ्लाई ऐश का कंटेंट होगा, या कार्बन का कंटेंट, पार्टिकुलेट मैटर का कंटेंट, या कोल का कंटेंट, ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए इंडिया में अगर देखा जाए, दिल्ली में अगर देखा जाए, तो सबसे बड़ा इशू इससे इसके थ्रू ही बना है, दैट इज़ द सल्फर स्मॉग। पूरी विजिबिलिटी यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो जाती है। अभी देखो, विंटर जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो AQI के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके 6 कैटेगरीज होते हैं, तो उसमें जो सीवियर कैटेगरी है देखो, तो वो होती है 500 की। तो ये 500 प्लस जाने का रीज़न है, दैट इज़ द इंक्रीज इन द स्मॉग लेवल, समझ रहे हैं सबको? तो यहाँ पे जनरली हाई प्रेशर बिल्ट होता है, बिकॉज इंडिया में विंटर में तो कौन सा प्रेशर होगा, जितना कूल टेम्परेचर उतना हाई प्रेशर होता है, और जितना हाई प्रेशर उतनी एयर जो है वो लोअर लेवल पे स्टैग्नेंट होते रहती है, और जितनी एयर लो लेवल पे स्टैग्नेंट रहेगी तो उतना ये जो स्मोक है वो रिलीज नहीं हो पाएगा आउटर एनवायरनमेंट में। तो डेफिनेटली फिर ऑल द स्मोक एंड हाई प्रेशर कंडीशंस,
लो टेम्परेचर, सो दैट विल डेफिनेटली क्रिएट द स्मॉग कंडीशन ऑफ द सल्फर स्मॉग. ओके, तो ये क्रिएट हो गया. एंड एग्रीवेटेड डैम्पनेस एंड हाई, देखो यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर इन द एयर, देन उसके बाद फॉर्म इन द विंटर पर्टिकुलरली. देखो ये कब होता है, जनरली विंटर में होता है. ओके, ये विंटर वाली कंडीशन है. एंड इन द मॉर्निंग आर वेन द टेम्परेचर इज लो, एंड मोस्टली ये मॉर्निंग मॉर्निंग आवर्स में होता है. जब विंटर होता है, मॉर्निंग आवर्स होते हैं तो बहुत टेम्परेचर कम होता, तब ये होता है. तो अल्टीमेटली आपको एक ही याद रखना है, क्लासिकल स्मॉग या सल्फरस स्मॉग, तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है या किसकी वजह से बनता है. शायद यूपीएससी यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकती है. सो ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एकदम नीचे जो दिया है आपको वो वाला. सो दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा होगा. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिनेटली स्टबल बर्निंग. ओके, व्हीकुलर इमिशन या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. ओके, उसकी वजह से होगा. देन पार्टिकुलेट्स ऑफ द सीमेंट डस्ट, कार्बन सूट, ब्लैक कार्बन, मेटेलिक डस्ट एंड ऑथर्स. सो ये सब एक साथ आ जाते हैं और विंटर वाली कंडीशन है, तो आपका क्या क्रिएट होगा, सल्फरस स्मॉग और क्लासिकल स्मॉग, ये क्रिएट हो सकता है. ठीक है, सो दैट इज़ द एग्जैक्टली रीज़न. ओके, नेक्स्ट होगा फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, सो अभी चलो आ जाते हैं यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग पे. तो आई होप आपको विंटर स्मॉग तो सबको समझ गया, क्लासिकल स्मॉग, लंडन स्मॉग और रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग, सभी एक ही है. ठीक है, तो ये आपको समझ गया सबको. यस, अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है सल्फर स्मॉग तक. ये विंटर में होगा, मतलब अभी विंटर में होता ही, और यहाँ पे एक्यूआई स्टैंडर्ड्स बहुत हाई लेवल पे निकल जाते हैं, मतलब सीवियर प्लस कंडीशन जाती है. फिर यहाँ पे ग्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. ओके, जो कि मोस्टली कंस्ट्रक्शन बंद किया जा सकता है, या फिर वॉट एवर जो ऑड इवन डेज है, परली प्रदूषण स्कीम जो है वो स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, वो इसको एक्टिवेट करते हैं. ग्रैप को याद रखना, अभी EPCA जो है सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से ये डेवलप हुआ है, दैट इज EPCA, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, विच फॉल अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है. ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986 के अंडर आता है EPCA, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से बना है. बट कौन से एक्ट के अंडर बना है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट के अंडर बना है. और EPCA विल एनैक्ट द ग्रैप, एंड ग्रैप इज द ओनली एमरजेंसी वी कैन से की स्टेप. ओके, जब AQI 500 प्लस सीवियर लेवल प्लस जाता है तभी ग्रैप एक्टिवेट होता है. ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? और जब AQI अच्छे लेवल तक आ जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री एक्सेट्रा लेवल पे, तो ग्रैप रिमूव किया जाता है. ठीक है, सो ऐसे ग्रैप प्रोग्राम होता है. कौन एक्टिवेट करता है, किसके अंडर बना है, किसके मैंडेट से बना है, वो ऑलरेडी हमने कवर किया है. ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग. सो सिंपल है, देखो फोटो, फोटो मतलब क्या है कि जनरली सनलाइट जब ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम ऑफ द समर. ठीक है, तो समर की बात होती है जनरली फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग. इनको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहा जाता है. एंड फर्स्ट ऑब्जर्व इन द लॉस एंजल्स इन 1950, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉस एंजल्स स्मॉग. ठीक है, तो इसको लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है. ऑकर मोस्ट प्रोमिनेंटली इन द अर्बन एरियाज दैट हैव द लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द प्राइमरी इमिटेंट्स. ओके, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे प्राइमरी होगा. जैसे सल्फर स्मॉग में क्या था, सल्फर था प्राइमरी पोल्यूटेंट, तो यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पे क्या कौन होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा. प्लीज नोट दिस पॉइंट. ओके, फोटोकेमिकल स्मॉग में एक तो सनलाइट होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकेंड क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंटेंट अच्छा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो तब फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट होगा. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द समर स्मॉग फॉर्म व्हेन द पोल्यूटेंट सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट. ओके, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें हो सकते हैं, एज द प्राइमरी पोल्यूटेंट ही होते हैं वो भी. एंड रिएक्ट्स टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच लीव्स द ग्राउंड लेवल ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ओके, तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. सो एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बन रहे हैं, और इनके रिएक्शन की वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा है, दैट इज द O3, ओजोन. ठीक है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है. अब आ गया ओजोन प्लस प्रॉपर सनलाइट. ओके, समझ रहा है, ओजोन प्लस प्रॉपर सनलाइट, एंड दैट विल क्रिएट द यस फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, सो देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट हाइड्रोकार्बन्स इज इक्वल्स टू ओजोन. ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इट इज अ बेनिफिशियल, बट नियर द सर्फेस इट्स रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग एज इट ग्रीन हाउस गैसेस. ऑब्वियसली ये ग्रीन हाउस गैस में आता है, ओजोन भी किस में आता है, ग्रीन हाउस गैस. एंड दैट एब्जॉर्ब्स द लॉन्ग वेव्स, मतलब जो सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा. तो ड्रास्टिकली टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो सकता है. एंड दिस रिजल्टिंग स्मॉग कॉज अ लाइट ब्राउनिश कलरेशन.
तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम देखी थी, देखो ये लाउड लाइट ब्राउनिश, मतलब ये हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोल सकते हैं, दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, तो ये कौन सा स्मॉग है? फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूरा विजिबिलिटी ड्रॉप डाउन हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड विद द सनलाइट। ओके, तो ये क्या क्रिएट करेगी? ऐसे लाइट ब्राउनिश आपको दिख रहा है ना, तो ऐसे सनलाइट क्रिएट होगी यहाँ पे। ठीक है, सो लाइट ब्राउनिश कलरेशन ऑफ द एटमोसफियर रिड्यूस द विजिबिलिटी, प्लांट डैमेज, इरिटेशन ऑफ द आइज एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। सो दैट इज ऑल द इम्पैक्ट्स ऑफ द, यस दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। एंड इसको क्या कहेंगे हम? लॉस एंजल स्मॉग ऑल्सो एंड ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन यहाँ पे होता है ना, ओजोन क्रिएट होता है, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। और क्लासिकल स्मॉग, सल्फर स्मॉग, इसको क्या कहेगा? कहा जाएगा रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉग। ओके, एंड नेक्स्ट इज द, दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, देन पैन, पीबीएन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, H2O2, एल्डिहाइड्स एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। सो दैट ऑल विल क्रिएट द फोटोकेमिकल स्मॉग कंडीशन। ओके, समझ रहा है? तो ये यूपीएससी आराम से देखो इस पर कुछ क्वेश्चन बना सकती है, सॉरी, सो यूपीएससी आराम से देखो इस पर कुछ क्वेश्चन बना सकती है कि क्लासिकल स्मॉग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। चलो हमने ये तो चेकआउट कर दिया, एंड फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए क्या क्या है? देखो नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, देन पैन कुछ होते हैं, पीबीएन होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, H2O2, एल्डिहाइड एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो इनको सबको मिला के क्या क्रिएट होता है? दैट इज द फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये दोनों भी चार्ट कुछ भी हो जाए, बट आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों भी चार्ट जो हो गए तो वो लर्न करना है। दैट इज द क्लासिकल स्मॉग के लिए ये चार्ट रहेगा एंड फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए ये चार्ट रहेगा। सो ये दोनों भी गो थ्रू करना है आपको। ठीक है, एंड इसके हेल्थ हजार्ड तो हमने देखा है कि ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, दैट इज O2, नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों का रिएक्शन होता है तो ओजोन बनेगा, एंड इसी के ही इम्पैक्ट हमें क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकता है, बर्निंग ऑफ द आइज, थ्रोट, इरिटेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, देन शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ एंड वीजिंग, कफिंग, ऐसे कुछ होता है, मतलब ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ भी हो सकता है, जैसे कोरोना में होता है, मतलब कोरोना प्लस ये ओजोन का लेवल अगर बढ़ जाए तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही देख लेना इसमें। देन उसके बाद लंग रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी पॉसिबल हो सकते हैं, अस्थमा अटैक आ सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है वेन इनहेलिंग। ओके, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज। ओके, तो यहाँ पे देखो पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इतने सारे ये स्मॉग के इफेक्ट्स है, तो देखो बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स है, डेफिनेटली आपको ये सब देखने चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? और चलो हम यहाँ तक आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट रहेगा। हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किए थे, दैट इज सम ऑफ द पोल्यूटेंट, इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट प्लस स्मॉग में हमने दो देखा यहाँ पे, दैट इज द क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये हमने ऑल डिस्कस किया है। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों भी देख लेना, लंडन स्मॉग मतलब कौन सा है? दैट इज द सल्फर स्मॉग जो कि विंटर में होता है जनरली, एंड फोटोकेमिकल स्मॉग जो कि ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, लॉस एंजल स्मॉग भी इसको कहा जाता है, एंड ये होता है समर में। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखो, एंड ये चार्ट, ओके, तो ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये गो थ्रू कर देना। ठीक है, एंड उसके बाद हम कल देखने वाले कि सम इम्पॉर्टेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, वो हम चेकआउट करेंगे, देन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो होगा वो देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले विद द, यस, नेक्स्ट टॉपिक, एंड वो होगा हमारा, दैट इज वी विल स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द पोल्यूटेंट टॉपिक, एंड सेकेंड हमारा होगा कि जो आपके इसके टॉपिक्स है, मतलब रिलेटेड टू दो दिस वी कैन से कि जो आपका इसका मतलब बायोडायवर्सिटी के डिटेल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन पोल्यूटेंट के डिटेल क्वेश्चन, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल क्वेश्चंस, देन उसके बाद हम जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड होगा तो उसके भी डिटेल क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप एवरीवन अगर ज्वाइन करते हो, लाइव ज्वाइन करते हो, तो दैट विल बी द बेटर वन, बिकॉज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपके एंड से थोड़ा सा आंसर आ जाएगा तो बेटर होगा, एंड उसके हम डिटेल एक्सप्लेनेशन और हाउ टू टैकल विद सच क्वेश्चंस, अगर आपने थोड़ा भी नॉलेज होगा तो उस बेसिस पे हमें कैसे उसको टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो एनी क्वेश्चन अप टू दिस? यस, एनी क्वेश्चन अप टू दिस? फास्ट, सो चलेगा, है ना? तो कल हम एग्जैक्टली मिलते हैं 1:30 PM
सेम आपका कल 1:30 PM को लेक्चर होगा एंड उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड लाइव सेशंस ओनली, ओके, बिकॉज क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं. सो आपको भी टेस्ट होना चाहिए आपके एंड से भी, आपको भी पता चलना चाहिए कि अगर हमने इसके पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए आप लोगों ने, ठीक है, तो आपको भी वो अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसको मतलब आपको कितना रिकॉल हो रहा है या कितने क्वेश्चंस रिकॉल नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर उसको अगर क्वेश्चन का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो सब हम कल डिस्कस करेंगे, ओके. सो आई होप एवरी वन विल बी देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, दैट इज़ एग्जैक्टली टुमारो 1:30 PM, ओके ओके. देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे. यस.